राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ओम बिरला इससे पहले 17वीं लोकसभा के स्पीकर थे। ओम बिरला का स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। ओम बिरला अगर स्पीकर बन जाते हैं तो वो बलराम जाखड़ के बाद लगातार स्पीकर बनने वाले दूसरे नेता होंगे। भारतीय राजनीति में लगातार दो बार स्पीकर बनने का खिताब कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ के नाम दर्ज है। बलराम जाखड़ 1980 में पहली बार लोकसभा के स्पीकर बने थे। इसके बाद 1984 में दोबारा से लोकसभा अध्यक्ष बने और 1989 तक रहे। ओम बिरला की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है। वो 1991 में भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। साल 1997 में बिरला युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। ओम बिरला साल 2003 में पहली बार कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से जीत कर राजस्थान विधानसभा पहुंचे थे। 2008 में वो दूसरी बार कोटा दक्षिण से विधायक निर्वाचित हुए। 2013 में उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई और लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। समय बदला और ओम बिरला जयपुर से दिल्ली की तरफ बढ़े। वो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ओम बिरला ने कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से 2,00,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर 16वीं लोकसभा में प्रवेश किया। नव निर्वाचित सांसद ओम बिरला को 2014 में ही संसदीय प्रकुलन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वो संसदीय याचिका समिति, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति और सलाहकार समिति में भी सदस्य चुने गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ओम बिरला अपनी सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर संसद पहुंचे हैं। सर्वसम्मति से 19 जून 2019 को उन्हें 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचित किया गया। अध्यक्ष सदन निर्वाचित होने के बाद उन्होंने सदन की कई पुरानी परंपराओं को बदला। कागजों पर चलने वाले संसदीय कार्यवाही को टैबलेट और मोबाइल पर डिजिटल स्वरूप देने में ओम बिरला के कदम क्रांतिकारी रहे। लोकसभा अध्यक्ष सांसदों को ऑनरेबल एमपी के संबोधन के बजाय माननीय सदस्यगण कहकर संबोधित करते हैं, तो अर्जेंटमेंट मोशन को स्थगन प्रस्ताव और जीरो आवर को शून्यकाल कहते हैं। इतना ही नहीं, सदन में वोटिंग के दौरान उन्होंने यस्नो की परंपरा को हाँ नहीं में बदला। ओम बिरला की राजनीतिक यात्रा 4 दशक से ज्यादा का समय पार कर चुकी है। ओम बिरला लगातार तीसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं, लेकिन इस बार जीत का अंतर कम हो गया। उन्होंने 2014 के चुनाव में 41,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। ओम बिरला ने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को हराया। बिरला को 7,50,496 वोट मिले तो प्रहलाद गुंजल को 7,08,522 वोट मिले।